Hey guys, this is your Nimkar Reaction channel. Welcome back with a new reaction video. और ये भी reaction जो है जी हमजा भाई जो आज बारात थी और बारात का vlog उन्होंने upload कर दिया है, तो आपके साथ इस वीडियो को मिलके देखना है, वीडियो को पूरा प्यार देना है, अपने लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका क्या जाता है, एक बटन प्रेस ही तो करना है। और कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना कि आपको ये मेरा रिएक्शन कैसा लगा। पहले वीडियो को पूरा देखो, फिर आपने सजेशन भी देना कि फ्यूचर वीडियो कौन सी होनी चाहिए। सो टाइम को हमने जाया नहीं करना, रात को पूरा देखना है और आपने भाई के इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना है और 1000 के तो लाजमी होने चाहिए। सो लेट्स चेक इट आउट। जवाब साहब नर्वस मेरा होना बनता है, आप हुए बेखैर। पहली चला रहा ना लाड़े की बहुत। अच्छा कल जवाद भाई ने और असद भाई ने काफी डांस किया यार मेहंदी पे। मैं वो सारी उम्र इस चीज को से रिग्रेट रहेगा कि मैंने अपनी शादी के खाने में कहा इतना बढ़िया खाने। ऐसा ही है बिल्कुल, लाड़े दुल्हन को मतलब बहुत ही कम मिलता है खाना, और वैसे भी खाना कम ही मिलता है ना, समझिए ना। सुबह सुबह क्या टाइम? अच्छा जी डेनियल सवा सात हो गया। डेनियल ने कल मेहंदी का अच्छा हम लोग मेकअप किया था। साढ़े सात हो गए हैं, 5:30 से मुझे डेनियल ने तैयार करना शुरू किया। आज बारात डे है और डेनियल ने ये मेरी लुक बनाई है। अच्छा है, मतलब हेयर स्टाइल को थोड़ा कल मैंने व्हाइट सूट पहना था ना, और मैं तैयार शेयर हो गया हूँ। थैंक यू डेनियल, आज पूरा दिन आप रेस्ट करो, कल फिर बलीमे में मिलते हैं। हेलो, ओ माय गॉड, ये इसके ऊपर नेट लगाया क्योंकि रास्ता हमारा लंबा है ताकि फूल उड़ ना जाए, इनका मुझे खतरा है कि ये तो निकलते भाई उड़ जाएंगे। ये वाली गाड़ी भी और ये वाली गाड़ी भी दोनों सेम वी के अंदर, एक सिंपल डिजाइन है इनका और कुछ नहीं। और यहाँ पे है और यहाँ पे है। सुबह सुबह 7:30 बजे क्या किया भला इसने? ये वाली प्लेट जोन सी है उधर शिफ्ट कर दी, बस गंजी कर जोन सी। ये वाली प्लेट उधर शिफ्ट करी सुबह सुबह असद भाई को खाना चाहिए क्योंकि शादी में डांस करना है ना, तो पसीने निकल के तो खाना जो हजम हो जाएगा। बस सिर्फ ऐसी हालत में आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा, बर्गर बन के फिर भाई प्यारे लग रहे हैं ना, इसलिए शर्मा रहे, दिखा नहीं रहे, जल्दी से फेस रिवील करो यार भाई। हाँ जी एफसी जनरल वासिफ एंड टीम, बहुत मेहनती किस्म की टीम। खाना खा रहा है, मुझे भी भूख लग गई। अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सलाम भाई, जबरदस्त जिंदाबाद। बारात डे, बारात निकल चुकी है। जेडी कार ड्राइव कर रहे हैं, असद पीछे बैठा हुआ है। यस, तो अब पीछे जो गाड़ी है उसमें अम्मी अबू हैं, हसन है, भाभी हैं। बारात बहुत ही शॉर्ट है यार, क्या मतलब। अब तो कोरोना वायरस भी नहीं है, क्या बात है। हम बहावल नगर से जा रहे हैं फैसलाबाद, लंबी बारात है और हमें रोड कंडीशन का कोई आइडिया नहीं है कि कैसी है, क्योंकि ये वाला जो साहिवाल टू फैसलाबाद वाला रोड है वो खास हालत में नहीं रहता। उससे पीछे बंटी है, उससे पीछे तगड़ साहब है, उमेर वगैरह है, सारे अपनी अपनी लाइन में। जवाब साहब नर्वस मेरा होना बनता है, आप हुए सफर लंबा होगा ना इसी वजह से। लाड़े की बहुत गाड़ी बहुत चलाई है उसने, तभी तो वो चला रहा है, वो लाड़े की गाड़ी है। और चक्कर है भाई, तू मेरी चादर उतार पहले। ये भाई चादर मैंने नाप ली है, नाप ली है। चल ठीक है यार, बस फूल ना उड़े, ये मुझे लगता है वहाँ पहुँचते ना फूल उड़ जाए। हाँ लेकिन साहिवाल के करीब भी काफी सारी शॉप है, करवा लीजिएगा हमसे भाई, बल्कि आपकी तो अब रात निकल चुकी है, ब्लॉग बाद में बना रहे हैं। असद जो तूने रात मेहंदी पे माहौल बनाया और जो जेडी ने तेरा साथ दिया, कमाल है असद भाई। कभी काश मैं आपसे मिलता तो आपको इसका रिगार्ड जरूर देता। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, असद ने और जेडी ने, जेडी ने असद का साथ दिया, लेकिन असद ने तो पूरी मतलब मेहंदी में एंड पे मेहंदी का जो पूरा रिदम था ना, नहीं वाकई में कमाल है, लग रहा था कोई शो स्टॉपर बन गया। शो स्टॉपर मतलब कि अखीर मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना नेक्स्ट लेवल किस्म का ये शो बना देगा, वो इसने किया। शुक्र है कल का इवेंट बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह करे आज की सब इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो गया अब तो, लेकिन माशाल्लाह आने वाला दिन भी आपके लिए अच्छे हो। जबरदस्त, ग्रेट है यार। खुदा हाफिज बहावल नगर, मिलते हैं इंशाल्लाह शाम को वापस। अभी हम लोगों ने एक चाय ब्रेक लिया और ये नेट उड़ गया था, तो अमाद और बूटा जी जो है नेट को अभी सेट कर रहे हैं। बाकी सारी बारात खड़ी है, मजा आ रहा है यार आज मैं गाड़ी में, वरना मैं भी इन कामों में सोता हूँ। ये सारे अभी खड़े अब्बू के साथ भाई, लाड़े को इन दिनों में कुछ चीज को हाथ नहीं लगाने देते फैसलाबाद, ताकि कोई ऐसे वैसे नुकसान ना हो जाए भाई, इसमें से ये फाइनल, इसलिए बचा बचा के रखते हैं। ये सबकी ड्यूटी चल रही है, सबके लिए चाय कॉफी
किस किस नंबर से कौन कौन चल रहा है? बंटी किधर गया? जो आगे बाबा, ठीक है, उमर वाइज आ रहे हैं ना, फिर हसन है सारे, फिर ब्रो तेरा जेडी भाई रात की मेहंदी में जो वो डांस किया था ना, चिट्टे चिट्टे सूट वाला जो गाना था, कमाल का था। ये रोड कंडीशन है और जवाद साहब के पास माशाल्लाह जहाज है, तो हम तो उड़ते जा रहे हैं और पीछे बारात गायब हो चुकी है। जवाद मुझे कह रहा था कि पीछे सबको फोन कर के उड़ते आए, जो भी गाड़ियों का नुकसान हुआ वो खडोली सड़क है ना, जो भी गाड़ियों का नुकसान हुआ जवाद अहमद पे करेगा। जवाद अहमद आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ भाई सारी जिंदगी इसकी वर्कशॉपों में गुजर जानी अगर सिविको ने खींची थी। कहते ना के सिविको ने खींची थी तो तेरी सारी उम्र वर्कशॉपों में गुजर जानी। ये सारे के सारे कह रहे थे ओए हम तेरे पीछे हैं, हम तेरे पीछे, हम उनको कह रहा हूँ। अच्छा वैसे एक सवाल है, मतलब अगर कभी मतलब यानी कि हमजा भाई बहुत ही सिंपल से मतलब क्यों तैयार हुए? बड़े लोग देखे हैं पैंट कोट पहनते हैं, शेरवानियाँ पहनते हैं, फलां फलां, मतलब क्या मतलब इतना क्यों? क्योंकि हमारा जो हमारा फॉरवर्ड ग्रुप है ना वो आगे पहुँच गया है। इनको सादगी अच्छी लगती है मुझे इनके इस व्लॉग से लग रहा है, बाकी जो व्लॉग मैंने देखे हैं वासिफ के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है। वासिफ हमसे एक घंटा पहले निकल गया था क्योंकि उन्होंने जाके कोई अपनी फॉर्मेलिटीज करनी होती है शूट की। और ऑनेस्टली यार मैं अभी इनसे भी ये बात कर रहा था कि वासिफ ऐसा बंदा है, मुझे ये फोटोग्राफी अगर वासिफ ने, वैसे तो वासिफ अब मेरा कुछ भी इवेंट हो ना तो मेरे जेहन में आता ही नहीं है कि मैंने कोई और फोटोग्राफर टीम हायर करनी है, तो मैं वासिफ को फोन करता हूँ। अगर वासिफ फोटोग्राफर ना भी होता तो मेरी शादी में ये मेरे दोस्तों की तरह साथ होता, वो अभी भी साथ। तो इतना फ्रेंड्स, यार मैंने रात वाले व्लॉग में बताया था कि फ्रेंड्स जो है ना हमेशा वही जो कुछ भी हो जाए, मतलब यानी कि चंद एक ही आपके साथ रह जाते हैं इतने लंबे टूर में, मैट्रिक इंटर सेवन्थ क्लास, फिर आप ग्रेजुएशन में जाते हो, फिर MBA, जो भी आपका फ्यूचर हो, मतलब उसमें कुछ चंद गिने चुने लोग ही रह जाते हैं। लो जी बारात पहुँच गई है इनकी डेस्टिनेशन पे, गाड़ी तो सजाई हुई थी बाची गई है, फिर एक दो फूल उतर गए हैं। मेरा पिया घर आया और लालिनी है बैंड बजे बरात जबरदस्त। मेरा पिया घर यार जब शादी होती तो बस ओए पहन लिए शेरवानी है, पता ही नहीं चला यार गाड़ी के अंदर ही चेंज कर लिए। वाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं भाई तो। अब असद भाई का डांस देखें भाजी, ये इनके सौरा साहब है। हेलो जी, हार पे आ गया ने अच्छा ग्लासेस की जगह अगर ये लेंस लगा लेते तो और भी ज़्यादा नहीं, लेकिन ग्लासेस इंसान का एक बन जाता है ना कि आइकन बन जाता है, अच्छा लग रहा है। अच्छा ये भी हाल कल वाले जो हाल में जो उस जैसा ही है, बहुत बड़ा और मतलब बहुत प्यारा सजाया हुआ। अच्छा इंसान जब किसी को फर्स्ट टाइम इस लुक में देखता है ना तो मतलब वो डिफरेंट ही लगता है, बहुत टोटली डिफरेंट लगता है। ये क्या वो पैसे पुसे दे जा रहे इस्लामी। लो जी ए वाला मोमेंट जेड़ा होंदा है ना यार, सच्ची कह रहे हैं, मतलब माँ बाप के लिए बहुत ही ज्यादा दुखी दुखी कह लो, अब कह लो बड़ा गम ज्यादा होता है, तो वो मतलब चाहे साथ साथ भी घर हो ना तो फिर भी तकलीफ बहुत ज्यादा होती है अपनी बेटी को अलविदा करने में।
और फिर एक घर छोड़ के जब उसने जाना होता है ऐसे घर में जहाँ पे उसको कोई जानने वाला नहीं होता, पहचानने वाला नहीं होता, लेकिन उसने सर्वाइव करना होता है, तो कितना टफ होता है। इट्स सो डिफिकल्ट यार। तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए यार कि जिस बंदी को हम लेके आ रहे हैं वो मतलब हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको कितनी इम्पोर्टेंस चाहिए, तो देनी चाहिए। हमजा भाई की जोड़ी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है इनकी जोड़ी इसी तरह हमेशा सलामत रखे। रास्ता तो था, रास्ता था करने वाला, क्या मेन्यू था? रूह खुश करने वाला मेन्यू। एक चीज खाते जाए कसम से, मैंने इसे ये मेरे साथ बैठा, मैंने इसे कहा वो ट्राइफल खाया है, मैं कोई चम्मच लिया ना, मैं रूह खुश हो गया, ऐसे खुशी से चढ़ गया। वो खाया हलवा लिया पिछला भूल गया, आइसक्रीम खाई हलवा भूल गया, आइसक्रीम थी कसम से। नहीं वो मटन कुन्ना, मटन को हाथ लगा, नहीं हाथ लगा, हाथ मटन सिर्फ सालन वाला, अच्छा सालन वो रोस्ट जो था, रोस्ट हुए हुए ऐसे करके खोलो। मुझे एक चीज भी नसीब नहीं हुई, एक चीज। मैंने एक बात की, मैं वो सारी उम्र वो यार दूध पिलाई के रहेगा कि मैंने अपनी शादी के खाने में कहा इतना बढ़िया खाना, लेकिन यार बस बेसिकली दूध पिलाई होती ना सारा कुछ, इतना इसलिए टफ होता है। क्यों अरसलान वो ज्यादा जरूरी था, फूड ब्लॉगर देखे, फोटो शूट ज्यादा जरूरी, फूड ब्लॉगर देखे यार, खाना में फिर जाके बनवा के खा लूंगा अब मेरा ससुराल। वैसे ये हमजा भाई फूड व्लॉगर तो है, लेकिन हमने और यार कसम से इतना मजे का मेरी बारात का जो मेन्यू था वहाँ पे, वो मुझे तो बाद में पता लगा। उस टाइम ये सीन ही हुआ कि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड था, हम सुबह से यहाँ से चले हुए थे, एक बजे जाके बारात पहुंची और एक से पांच तक हॉल का टाइम था, तो पहले वो सारी बीच में ही रस्में होनी थी, ये वो शुक्र है निकाह पहले हुआ था तो वो टाइम हमारा बच गया, वो सारा कुछ होना था, और जिस टाइम फिर लोगों ने खाना खाना था उस टाइम पे हमारा शूट होना था, उसके अलावा हमारे पास और कोई टाइम नहीं था शूट का, और अगर शूट छोड़ के खाना खा लेते तो वो रिग्रेट बहुत ज्यादा होना था। बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए बाद में तो मेन्यू पता लगा, मटन कुन्ना, मटन रोस्ट, उसके बाद फिश स्टेक, सूप और क्या क्या था पता नहीं, कोई छह सात डिशेज थी, और हर चीज मतलब यही मुझे सारे बता रहे हैं कि वहां पे लोग इवन ये कह रहे थे कि ये लग ही नहीं रहा शादी का खाना, ये लग रहा है कि किसी रेस्टोरेंट का खाना है। वो मैंने मिस कर दिया, और मुझे ये भी नहीं याद रहा कि यार मैं असद को कहते था कि प्लीज मेन्यू मेरे लिए पैक करके रख लो, क्या था ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकता, लेकिन वो अब मुझे नहीं पता। ये चीज मैं वलीमे पे करूंगा, आप लोगों को पता लग जाएगा। मैं शायद मैं तो अपनी शादी में कैमरा नहीं उठा सकता इवेंट के अंदर जाकर, जो मैंने पिछले दो इवेंट्स में भी नहीं किया, तो बाकी ये बॉयज जो है ना वो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वो बाकी वासिफ की फुटेज से मैं आपको शादी दिखा रहा हूँ। तो खैर ये सीन हुआ, और ऐसा दूसरा काफी लोगों को लग रहा था कि मैं पता नहीं कौन कौन इनवाइट कर लूंगा अपनी शादी पे, और मेरी शादी बहुत कमर्शियल होगी इस तरह, ऐसा कोई मैं बहुत गैदरिंग्स के मामले में बहुत लिमिटेड सा बंदा हूं मैं। तो मेरे लिए जो लोग बहुत खास थे मैंने वो इनवाइट किए हुए थे, बहुत लिमिटेड से, उसमें एक ताबिश हाशमी, सुनील भाई, उसके बाद बिलाल रशीद, बिलाल मुनीर, उसके बाद डॉक्टर बिलाल इस्लामाबाद से, और मुबीन अली, अली गौरसी, ये मेरे जो है ना वो करीबी लोग हैं, इनको मैंने इनवाइट किया हुआ था। इसके अलावा मैंने कोई बहुत कमर्शियल शादी करने का कभी पहले सोचा भी नहीं था, और ना ही मैंने वो भी किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कम लोग हों बहुत अच्छे हों तो वो ठीक होता है। तो इस तरह बड़ी बात है यार, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है सब फिट हो गया। और इस वीडियो भी खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें, भाई को नाम याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो, मस्त अल्लाह। जबरदस्त यार, मैं पहले ही कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्यों मतलब हमजा भाई ने क्यों इतनी लिमिटेड सी मतलब लोगों को इनवाइट किया, और ताबिश भाई भी आए हैं, और जो भाई वही वाले ताबिश 2.0 वाले जो इंटरव्यू लेते हैं, मतलब यानी कि काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, बहुत ही सिंपल सी शादी थी, और सिंपल शादियाँ अक्सर यादगार बन के रह जाती हैं कि यार मेरी शादी में ज़्यादा हल्ला गुल्ला, मतलब जो ज़्यादातर लोग होते हैं जिनको पसंद होता है, इनको नहीं पसंद है, तो तब भी इनकी जो जिस तरह मतलब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे गए लोगों ने अप्रिशिएट करते हैं लोग, मतलब बहुत ज़्यादा सारा मज़ा आता है लोगों को, अंदर का पैशन जो इंसान को होता है ना कि यार मैंने मतलब इतना हल्ला गुल्ला, वैसे भी फजूल खर्ची है, सीधी सी बात है यार क्या कहें, और आजकल की महंगाई में इतने लोग अफोर्ड कहाँ होते हैं। सही कह रहा हूँ मैं, ये बात बड़ी नोट करने वाली है कि जितनी महंगाई हो चुकी है ना वो बहुत ज़्यादा, चिकन को हाथ भी नहीं लगाया, सब्जियों को हाथ भी नहीं लगाया था भाई, तो इसीलिए सादगी में शादी कर लो तो अच्छा होता है, समझ गया ना। अच्छा, और दूसरा ये कहना कि यार इनकी जो दोस्ती है ना उसमें मैं आज भी एक लफ्ज़ बोलना चाहता हूँ कि जिन जैसे हमजा भाई ने कहा कि दोस्त हों, अच्छे हों और ख़ास हों,
तो उनसे इंसान की ज़िंदगी की रौनक और उनसे ज़िंदगी में जो पल होते हैं वो बड़े ख़ास बन जाते हैं। तो ऐसा ही है, दोस्त चुनने में आप जल्दबाजी मत करो, जो भी दोस्त हों उस मतलब परखो मत किसी दोस्त को, लेकिन ये है कि चंद दिन चलने से पता चल जाता है कि कोई आपके लिए कितना ख़ास है। तो खैर सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खास होता है इंसान उसी को दिल के साथ लगा के रखता है। तो मुझे ये आदा बहुत अच्छी लगी इनकी, और अल्लाह ताला हमारी दुआ है, लास्ट ऑफ एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी को और ज़्यादा खुशियों से भर दे, और इसी तरह ये कांस्टेंट और अपने मिजाज को इसी तरह बरकरार रखें, चेंज ना हो, और अपनी वाइफ के लिए अच्छे साबित हों, और जो घर में एक नया मेहमान आया उनकी ये अच्छे से ज़िंदगी में शामिल होकर उनको प्यार दें बहुत ज़्यादा सारा, ताकि उनको दूसरे घर की याद ना आए जो पहले अपने माँ बाप ने कहा था। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते अगले व्लॉग अगले रिएक्शन में, और मेरी बातें मेरा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे और मेरा ये रिएक्शन अच्छा लगे तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अपने सजेशन ज़रूर देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो अगर कोई अच्छी लगती है तो उसमें मुझे रिएक्ट कौन सी वीडियो पर मुझे रिएक्ट करना है। सो थैंक यू सो मच टुडे, और नेक्स्ट मिलते अगले रिएक्शन में, तब तक मेरे प्रीवियस वीडियो को देखो, मेहंदी वाला जो मैंने व्लॉग बनाया उसको देखो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। आपका क्या जाता है गाइस, एक बटन ही तो प्रेस करना है। और गाइस इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, टिकटॉक पे फॉलो करो, थैंक यू सो मच, और टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।